हेलो चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, तो आज आप सभी कैसे हैं। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिल्पी प्राइमरी वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में उच्चारण से संबंधित क्या नई जानकारी आपको दी जाएगी। तो बने रहे आप सभी इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आज जिस वर्ण के उच्चारण की जानकारी आप सभी को दी जाएगी, उसका प्रयोग शिरा रेखा यानी हम जो भी शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर जो रेखा खींचते हैं उस रेखा के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करें। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं आज का क्या नया वर्ण है, कौन सा नया आज का वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा और उसके उच्चारण के लिए हम कौन सा प्रयास करेंगे ताकि उसके शुद्ध उच्चारण को हम आप अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी, मैंने अब तक के जितने भी वीडियो को उच्चारण से संबंधित जितने भी वीडियो को बनाया है वो सभी वीडियो बच्चों और बड़ों सब के लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही जरूरी है उसे जानना क्योंकि ये उच्चारण से संबंधित है। इसलिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज से जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। उच्चारण उपयोगी अंग स्थान, यहाँ है वर्ण, अक्षर, अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं और ये है चंद्र बिंदु अनुनासिक, चंद्र बिंदु इसे कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान में यानी अंग का जो उच्चारण स्थान है उसमें नासिका का प्रयोग होगा, नाक का, और चंद्र बिंदु का जो उच्चारण स्थान है वो मुख और नासिका उसमें दोनों का प्रयोग होगा। अब इसका प्रयत्न यहाँ पर हम जानेंगे कि उसे बोलने के लिए कौन सा प्रयत्न किया जाएगा। तो अंग के उच्चारण में नाक द्वारा झटके के साथ उच्चारण करते हैं और चंद्र बिंदु जो है उसके उच्चारण में मुख खुला और नाक द्वारा कोमलता से उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं कोई भी शब्द जिसमें कि हम इसे इस वर्ण को लगाकर बोलेंगे, अनुस्वार को लगाकर बोलेंगे, तो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं पतंग, तो क्या हो रहा है, त के ऊपर इसे लगाया जा रहा है, पतंग हम बोल रहे हैं पतंग, तो इसमें क्या हो रहा है, नाक द्वारा झटके से उच्चारण हो रहा है इसका, पतंग बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, त के बाद त के ऊपर इसका प्रयोग हो रहा है, तो पतंग तो जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें अंग की मात्रा जो जब आ रही है तो उसमें नाक द्वारा झटके के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। और जो ये चंद्र बिंदु है जब हम इसे किसी शब्द में लगाकर हम इसका उच्चारण करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं पांच, तो पांच जब हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुख खुला और नाक द्वारा कोमलता से इसका उच्चारण हो रहा है। हम फिर से दोहरा रहे हैं पांच, तो जब हम पांच बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुख खुला और नाक द्वारा कोमलता से इसका उच्चारण हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं हंस, तो जब हंस हम बोल रहे हैं तो उसमें जो अनुस्वार की मात्रा लग रही है, अंग की मात्रा लग रही है, तो उसमें झटके द्वारा उच्चारण हो रहा है, और उसी हंस में जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो जब हम बोलते हैं हंस तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें नाक द्वारा कोमलता से उच्चारण हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे बंदर, उसमें क्या होगा, उसमें अनुस्वार की मात्रा लगी है, तो यहाँ झटके से उसका उच्चारण हो रहा है, बंदर, तो यहाँ क्या हो रहा है, झटके से उसका उच्चारण हो रहा है। और हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करके हम आंख, तो आंख में क्या हो रहा है, नाक द्वारा कोमलता से इसका उच्चारण हो रहा है, मुख खुला हो रहा है और नाक द्वारा कोमलता से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण होगा उसमें अंग की मात्रा में
जो अनुस्वार की मात्रा हम लगाते हैं शब्द के ऊपर, तो उसमें नासिका का प्रयोग होगा उच्चारण करने के लिए। और चंद्र बिंदु की मात्रा जब हम लगाते हैं शब्द के ऊपर तो उसमें मुख खुला और नासिका द्वारा हम उच्चारण स्थान उसका होगा और हम बोलने का प्रयत्न करेंगे मुख और नासिका के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।